प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार सने के साथ आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए कोट कोट धन्यवाद। आप लोग इसी प्यार सने के साथ मेरे प्रोग्राम को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपके कुंडली में प्रत्येक ग्रहों के युक्ति के उतार चढ़ाव, भाव, राशि, ताल मेल का ज्ञान प्राप्त कराऊं। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूं, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। दोस्तों, ये मोबाइल नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई वीडियो संबंधी प्रश्न हो तो आप मुझसे करिए, मैं फ्री सेवा कर दूंगा। मैं कोई मित्रगण अगर अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, उसके लिए कुछ फीस आपको अदा करना पड़ेगा। अगर आप फीस देंगे तो पूरा कुंडली का विवेचन कर दूंगा। बहुत से लोगों का फरमाइश आया है कि नीच भाव का शनि कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या प्रभाव देता है, किस प्रकार से हान लाभ देता है, इसको बारे में सुनिए आप, मैं बता रहा हूं। जिसकी कुंडली में लग्न में नीच भाव का शनि बैठा हुआ हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, पारिवारिक रूप से परेशान रहते हैं, आलसी होते हैं, इनकी सोच अच्छी नहीं। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में नीच भाव का शनि बैठा हुआ है, ऐसे लोग आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उन्नति नहीं कर पाते हैं, संघर्ष अधिक करते हैं। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में नीच भाव का शनि बैठा हुआ हो, ऐसे लोग का माता पिता का सुख कम मिलता है, भाई बंधुओं का सुख कम मिलता है और पारिवारिक जमीन जायदाद के लिए केस मुकदमा लड़ना पड़ता है। जिसके कुंडली में चौथे भाव में नीच भाव का शनि बैठा हुआ है, ऐसे लोग गलत सोच रखते हैं, ऐसे लोग गंदी सोसाइटी करते हैं, इनकी निम्न स्तर की सोच होती है, झूठ बोलते हैं, नशा भी करते हैं और व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन इनका अच्छा नहीं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में नीच भाव का शनि बैठा हुआ है, इनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, ये इच्छा अनुसार शिक्षा नहीं कर पाते हैं, कैरियर डैमेज हो जाता है। जिसके कुंडली में छठवें भाव में नीच भाव का शनि बैठा हुआ हो, ये गुप्त शत्रु से परेशान रहते हैं, बेवजह उलझनों में रहते हैं, बेवजह भागदौड़ अधिक करते हैं, इनकी बुद्धि चलायवान होती है। जिसके कुंडली में सातवें भाव में नीच भाव का शनि बैठा हो, इनका पति पत्नी में विवाद होता है, इच्छानुसार शादी नहीं कर पाते हैं, तलाक तक की समस्या आती है और पारिवारिक जीवन चाहे महिला हो या पुरुष हो अच्छा नहीं व्यतीत होता। जिसके कुंडली में आठवें भाव में नीच भाव का शनि बैठा हुआ हो, ये उदर रोग से परेशान रहते हैं, कफ कांसी खांसी की बीमारी से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में नीच भाव का शनि बैठा हुआ हो, ऐसे लोग नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, व्यापार में घाटा खा जाते हैं, परिश्रम का तो सही रिटर्न नहीं मिलता है, बने काल में रुकावट लाता है। जिसके कुंडली में दसवें भाव में नीच भाव का शनि बैठा हुआ है, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, इनकी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद होती है और पदोन्नति नहीं कर पाते हैं, व्यापार में घाटा खाते हैं। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में नीच भाव का शनि बैठा हुआ हो, ऐसे लोग बहुत आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, कर्जे के कारण इनकी इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद होती है, विदेश से वापस आते हैं, जीवन में कई प्रकार के रोजगार बदलते हैं, कई प्रकार के नौकरी बदलते हैं, परंतु
इच्छा अनुसार कभी उन्नति नहीं कर पाते। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में नीच भाव का शनि बैठा हुआ हो, इनके चौथेपन अच्छे नहीं जाते हैं, जीवन में हमेशा आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, संतान से विचारों में मतभेद रहता है और सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। ये बहुत छोटा सा वीडियो नीच भाव कुंडली में नीच भाव का शनि किस किस भाव में क्या प्रभाव देता है ये आपके सामने मैंने रखा। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। इतना करते वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।